हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 साइकिलिंग एसेसरीज के बारे में। ये एसेसरीज ऑनलाइन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। इसकी बाइंग लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों, ये सारी एसेसरीज आप अपने कम्फर्ट के लिए और सेफ्टी के लिए राइड के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं टॉप 10 साइकिलिंग एसेसरीज को। गाइज, हमारी सबसे पहले एसेसरीज है लैंसेट की तरफ से फ्रंट हैंडल बार लाइट्स। ये रिचार्जेबल लाइट आपको 2500 टू 5200 एमएचए बैटरी के साथ आती है। इसे आप बड़ी आसानी से अपने हैंडल बार पे माउंट कर सकते हैं। ये लाइट वाटरप्रूफ है और IP65 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है। जैसा कि आपने पहले देखा था, इसे इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है, वैसे ही इसको डिटैच करना भी उतना ही आसान है। राइड के बाद बड़ी ही आसानी से आप इसको डिटैच कर सकते हैं। ये फ्रंट लाइट काफी ब्राइट है और नाइट में आपको काफी अच्छा विजन देगी। इस लाइट में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, ये स्टडी मोड, लाइट ब्लिंकिंग मोड और ये सुपर ब्लिंकिंग मोड। इस लाइट के साथ मिलती है आपको ये टेल लाइट, ये भी रिचार्जेबल ऑप्शन के साथ आती है। इस लाइट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये सिंगल स्टेप के साथ आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइट काफी ब्राइट है। इस लाइट को आप बड़ी ही आसानी से आप अपने सीट पोस्ट के नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टेल लाइट्स भी आपको डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस के साथ आती हैं। ये टेल लाइट्स आपको नाइट में काफी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी और सेफ राइड करने के लिए हेल्प करेंगी। बड़े ही आराम से इस बटन को पुश करके आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही लाइट कॉम्बो में आती है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। गाइस, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एसेसरी जो कि ये हेलमेट। इस हेलमेट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें यहाँ पे आपको मिलता है ये बिल्ट इन बैकलाइट जो कि नाइट में राइड के दौरान आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने में काफी हेल्प करेगी। गाइज, इस हेलमेट में आपको मिलता है एक और कूल फीचर जो कि है मैग्नेटिक ग्लासेस, जिसे आप बड़ी आसानी से अटैच और डिटैच कर सकते हैं। राइड के दौरान भी इसे आप बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ने पर डिटैच भी कर सकते हैं। ये हेलमेट मुझे इस बैकलाइट एंड ग्लासेस के कारण काफी यूजफुल लगा। गाइज, हमारी नेक्स्ट एसेसरी है ये टेल लाइट्स, जिसमें मिलता है आपको ये वायरलेस रिमोट। इस रिमोट की हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस रिचार्जेबल टेल लाइट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इस बटन की हेल्प से आप मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। नाइट विजन के लिए आप देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है। लेफ्ट और राइट इंडिकेटर के अलावा इसमें आपको ये पार्किंग मोड भी मिलता है। हैंडल बार से इस रिमोट की हेल्प से आप बड़ी आसानी से लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर दे सकते हैं। इस टेल लाइट की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एसेसरी की तरफ जो कि है ये सिलिकॉन का मोबाइल होल्डर। इसे आप काफी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मोबाइल होल्डर में मिलता है आपको 360 रोटेशन, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से रोटेट कर सकते हैं। और इस सिलिकॉन मटेरियल के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वेरियस साइज के मोबाइल्स आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। ये मोबाइल होल्डर काफी यूजफुल है राइड के दौरान आपको नेविगेशन के लिए। इसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इजीली रोटेट कर सकते हैं। दो
दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है सैडल बैग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बैग में आपको काफी अच्छा स्टोरेज मिलता है। राइड के दौरान आप कुछ फूड आइटम्स इसमें कैरी कर सकते हैं, अपने कुछ एसेंशियल टूल्स और ये स्पेयर ट्यूब्स आसानी से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। कवर में होने के बाद भी ये काफी स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों लॉन्ग राइड के लिए काफी अच्छी एसेसरी है जिसे आप मोबाइल होल्डर के अलावा सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एसेसरी जो कि है ये बॉटल होल्डर। यहाँ पे आप अपनी बॉटल को आसानी से रख सकते हैं। राइड के दौरान आप बड़ी आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। गाइज हमारा अगला आइटम है ये हाइड्रेशन बैग। लॉन्ग राइड के दौरान आप बॉटल में बहुत ज्यादा पानी कैरी नहीं कर सकते हैं तो ये हाइड्रेशन बैग यूज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी अराउंड 3 लीटर्स है। राइड के दौरान इस पाइप की हेल्प से बड़ी आसानी से आप हाइड्रेट हो सकते हैं। आपकी लॉन्ग राइड में हाइड्रेशन में हेल्प करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एसेसरी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं अब इस मल्टी टूल की। इस टाइप के मल्टी टूल्स आपको लॉन्ग राइड के दौरान काफी हेल्पफुल होते हैं। इस मल्टी टूल के वेरियस टूल्स आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं राइड के दौरान मेंटेनेंस के लिए। ये मल्टी टूल काफी कॉम्पैक्ट होते हैं और बड़ी ही आसानी से आपके सैडल बैग में या बैकपैक में आ सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आइटम है ये कॉम्पैक्ट हैंड पंप। इस टाइप के कॉम्पैक्ट हैंड पंप काफी यूजफुल होते हैं राइड के दौरान आपको एयर रिफिल करने के लिए। ये हैंड पंप्स काफी छोटे होते हैं और बड़ी आसानी से आप इसे बॉटल होल्डर के साथ फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लॉन्ग राइड के लिए एक बड़े ही यूजफुल आइटम की जो कि है ये पैडेड शॉक्स। नॉर्मली साइकिल की सीट काफी हार्ड होती है जो कि लॉन्ग राइड में आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन देती है। इन शॉर्ट्स में आपको फोम की या जेल की पैडिंग मिलती है। ये पैडिंग काफी सॉफ्ट रहती है जो कि लॉन्ग राइड में आपको काफी कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग राइड प्लान करना चाहते हैं तो पैडेड शॉर्ट्स आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एसेसरी जो कि है ये मेंटेनेंस स्टैंड। इस मेंटेनेंस स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका यूज आप घर में बाइक रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट पीवीसी पैड्स मिलते हैं जिससे आपके बाइक में स्क्रैच ना आए। बाइक के मेंटेनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट एसेसरी है। दोस्तों इन सारी एसेसरीज की बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद एसेसरी ले सकते हैं। फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी ही लेटेस्ट साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स स्टे सेफ, कीप पेडलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।